मेरा एक चैनल है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको ऊपर मिलेगा लिंक उसका, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की ने मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। और मेरा वो वाला चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों वीडियोस शेयर करो, उस चैनल वाली भी और ये वाली वीडियो भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम तुर्की है और आज मोदी सरकार, वाह एक बार फिर तेरी गेम कामयाब हो गई यार। मैं सलूट करता हूँ यार तेरे दिमाग को। जब तुम्हारे इंडिया की आवाम को, जब तुम्हारे इंडिया की जनता को समझ आया है, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए हैं कि वो गाड़ी 350 kg का मवाद लेके कैसे अंदर घुसी थी, साथ इतनी ज़बरदस्त चेक पोस्ट क्रॉस करके कैसे घुसी वो गाड़ी, उनके पास मवाद कहाँ से आया, तो तुमने उनको जवाब देने के बजाय तुमने उनका दिमाग घुमाना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि सारी प्लानिंग तो तुम्हारी अपनी थी मोदी जी। तो आपने कहा कि यार इनका घुमाएं कैसे, इनको इस पब्लिक को घुमाएं कैसे, ये तो पूरा सैलाब मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इसको जवाब देने के बजाय इसको कुछ और गेम खेलते हैं। अब वो गेम क्या थी, सिद्धू पाजी के ऊपर चढ़ गए दोबारा से, और कपिल शर्मा के ऊपर चढ़ गए कि सिद्धू को निकालो, सिद्धू को निकालो, सिद्धू को निकालो, ये गद्दार है, देशद्रोही है। यार ये शेयर कर देना वीडियो, प्लीज शेयर करो ताकि ये मोदी सरकार का कोई बंदा तो देखे ना इसको। यार मैं समझता हूँ इंडिया की आवाम को सलूट है, बहुत जल्दी समझ गई इंडिया की आवाम, इन लोगों ने बहुत जल्दी सवाल उठाया मोदी से। लेकिन यार मैं इंडिया वालों को ये कहूंगा कि यार आप लोग अपना ना दिमाग मत घुमाओ, किसी और तरफ मत पढ़ो। कपिल शर्मा यार, उसने आप लोगों को, कपिल शर्मा ने, सिद्धू पाजी ने आप लोगों को इतने साल, इन लोगों ने आप लोगों को हंसाया, पूरी इंडिया की जनता को। सबसे ज्यादा TRP लेने वाला शो है ये कपिल शर्मा का, सिद्धू पाजी की वजह से। प्लीज यार आप लोग इन लोगों को मत ब्लेम करो, सिद्धू पाजी देशद्रोही नहीं है यार। अगर कोई किसी के पास जाके गले मिल लेता है, उससे मोहब्बत का पैगाम लेके जाता है, तो इससे इससे ये नहीं होता यार कि वो देशद्रोही बन गया। यार सिद्धू पाजी की जान छोड़ दो, कपिल शर्मा की जान छोड़ दो, मोदी को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से उसको पूछो कि बता ये सब हुआ कैसे, इतनी ज़बरदस्त सख्त चेक पोस्ट कैसे क्रॉस करके निकल गई है वो गाड़ी। लाजिम गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी बीच में, लाजिम। इसलिए कह रहा हूँ कि आंखें और दिमाग खोलो, और ये सिद्धू और ये कपिल करना छोड़ दो, इनको सपोर्ट करो फुल, इनको अलग रखो यार, ये वो कमेडियंस हैं यार, उनको अलग रखो, क्यों इस मामले में उनको घसीट रहे हो बीच में यार। प्लीज़ आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग दिमाग और अक्ल से काम लो, मोदी से पूछो, इसकी जान मत छोड़ना, इससे पूछो। अच्छा, इसने एक और गेम खेली अपनी पब्लिसिटी के लिए, ये अपनी पार्टी की प्रमोशन के लिए, लोगों को माइंड घुमाने के लिए, इसकी तारीफें कैसे बॉलीवुड के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को भी कैसे यूज करता है, ट्विटर के थ्रू ट्वीट करवाते हैं पैसे दे के, ये सुने जरा क्या कह रहे हैं। फिर हम 1 सितंबर से करें, बिकॉज इसके बाद हम सीधा चाहेंगे केरला, केरला से जाएंगे हम अजरबैजान, ट्वीट तो हम कहीं से भी करें, कहीं से भी है। बट ये फॉर्मेलिटी अगर क्लोज हो जाती है तो हमको भी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, वो भी मिल दे दें कि ये मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे, ये फैक्ट्स, ये फिगर्स एक डॉकेट बना के दे दें। तो फिर मैं, आप और सोशल मीडिया टीम हमारी, हम लोग मिलके इसका फेज आउट प्लान करेंगे। ये ना सर, उसका एक सोल्यूशन ये सोल्यूशन है कि जो इन लोग, जो आप हमारे बीच में एक्चुअल जो फीस होगी उसमें मोस्टली जो अमाउंट रहेगा वो उसमें रहेगा, लिक्विड में रहेगा, और बाकी जो रहेगा लिक्विड पार्ट जो कैश में रहेगा वो पर मंथ एडवांस में आपको दे दिया जाएगा। अच्छा ठीक, बाकी दोनों में आप कंफर्टेबल हैं, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, दैट इज फाइन। थोड़ा सा डिपेंड करना है कुछ जगहों पे, और बाकी जो सच है, जो मतलब जो आपको सीधी सी बात ये है मैम, एक लाइन में, कि वी आर यूजिंग योर सोशल आइडेंटिटी फॉर अवर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। पब्लिक के दिमाग में ये जाएगा कि ये महिमा चौधरी बोल रही है, एंड प्लस एवरीबॉडी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, ब्रेन वॉश। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम 2019 इलेक्शन को पोलराइज करें, ब्रेन वॉश करें लोगों का, और इसमें आपका साथ चाहिए। ये किस्सा मिला है आपको, आपको कंटेंट समझ में आ गया, आप एग्री हैं, आप अपने चार्जेस बताइए। बीजेपी बीजेपी तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये 1 करोड़ आप, अरे मैम थोड़ा सा थोड़ा काम है, झूठ बुलवा रहे हो, तारीफ करवा रहे हो, सस्ते हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किस तरह सिद्धू पाजी को और कपिल शर्मा की जान छोड़ दो। ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है, सारा सीन खुद गवर्नमेंट ने आपकी करवाया, आपके पहले आपके फौजी मारे, अब आपके कमेडियंस आप लोगों से छीन रहे हैं। प्लीज़
प्लीज़ इस बारे में सोचना ज़रूर, वीडियो को शेयर कर दो यार प्लीज़, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग शेयर करते हो ना तो वीडियो आगे से आगे जाती है, लोगों का दिमाग खुलता है, ताकि ये दोबारा मोदी सरकार ना इतना ज़्यादा शेयर करो।